घोड़ा मुझे बहुत ही अच्छा लगा पिता महाराज, परंतु आने में इतनी देर क्यों लगा दी पुत्र? मैं तो पहले ही आ गया होता, परंतु जब मैंने देखा कि शाल्वक सेना हस्तिनापुर राज्य की सीमा को पार करके उसे अपमानित करने ही वाली है तो मुझे रुकना पड़ा। शाल्वक सेना और ये शाल्व कुमार युद्ध बंदी, इनके विषय में आप जो आज्ञा दें पिता महाराज। महामंत्री, आओ पुत्र। आपका न्याय क्या कहता है? शत्रु पुत्र भी शत्रु ही होता है महाराज, और शत्रु को मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं पिता महाराज। आज्ञा है पुत्र। शत्रु को मृत्यु दंड देने से शत्रुता की मृत्यु नहीं होती महाराज, उसकी आयु तो हर मृत्यु के बाद बढ़ जाती है। यदि हम भारत वर्ष को एक आदर्श देश बनाना चाहते हैं तो हमें शत्रुता से जूझने के लिए मित्रता का हाथ बढ़ाना होगा, क्योंकि मित्रता ही एक सुंदर और शांत, प्रगतिशील और उज्जवल भविष्य की आधारशिला बन सकती है। प्रार्थना है शाल्व राजकुमार को क्षमा ही नहीं मुक्त किया जाए और आदर के साथ शाल्व लौटने की आज्ञा दी जाए। शाल्व कुमार को सादर शाल्व लौटने की आज्ञा दी जाती है। राजकुमार की जय नहीं, युवराज देवव्रत की जय बोलिए। आज देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित करते हुए मैं फूला नहीं समा रहा। इसका पिता होने का आज मुझे गर्व है और इसके युवराज होने का हस्तिनापुर को गर्व होगा। राजकुमार देवव्रत को युवराज घोषित करके शंतनु फूले न समाए। पिता और पुत्र का जीवन स्नेह और आनंद से भर गया। समय मानो पंख लगाकर उड़ने लगा।